Assalamualaikum. I'm Dr. Mariam Marimaskar. Uh, working as an optometrist in Saidha e janat Hospital from the last two years. Uh, hope you all are good, enjoying the health. Aaj ka mera jo topic hai, One of you guys, I think so, she is Momna. Ask me about how to correct the VN. So, dear, you can't correct your VN, you can improve the VN. Here are some methods you can improve your VN. First of all, when you are going to an environment that is dusty that uh, having a dust or a sun then you have to use the sunglasses you environment environment that is dusty then have to use sunglasses and the second thing, the most important thing if you are uh, having the work between 10 o'clock in the morning to 2 o'clock then your activities hain, कार्लिंग वो लिमिटेड रखें ताकि जो अल्ट्रावाट रेज हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाए सेकेंड इज़ वेयर आई प्रोटेक्शन अगर तो आप स्पोर्ट्स में हैं ठीक है या कहीं काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो अपनी आई प्रोटेक्शन लाजमी पहने ठीक है हमारे पास जो भी प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं फ़ॉरन बॉडी के पेशेंट आते हैं कि वो वेल्डिंग कर रहे थे उन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी थी और उनकी फ़ॉरन बॉडी आँख में चली गई द थर्ड पॉइंट इज़ मेनटेन योर हेल्दी वेट वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप अपने वेट को मेनटेन नहीं करते सो यू गैट मे ओबीज अगर ओवर वेट हो जाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है डायबिटीज के साथ कहने के हाइपर टेंशन भी हो जाती है अगर डायबिटीज़ हो रही है तो फिर ऑब्वियसली आपको पूरी बॉडी में भी प्रॉब्लम आएगी अल्टीमेटली आपको आंखों में भी प्रॉब्लम आएंगे सो कंज्यूम सर्टेन फूड फूड के हवाले से मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं जिससे हमारी आई की हेल्थ मेंटेन रह सकती तो अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो ली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेट आर स्पेनिज मस्टर्ड साग पालक इस्तेमाल करें और गाजर गाजरों का जूस इस्तेमाल करें और अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो पपाया एंड मैंगोज वो फ्रूट जिसके अंदर वाइटामिन ए हो वो आपकी आई के लिए बेनिफिशियल हैं और नर्ट्स कह लें और सबसे ज़्यादा कह लें कि इन रिच में वाइटामिन ए जिसमें पाया जाता है डैट इज़ फिश फिश हमारे कहने के एरिया में हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं कि हमने इसको इनटेक करना है तो सर्दियों में ही करना है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई को बेनिफिशियली वाइटामिन ए मिले तो आपको हफ्ते में एक बार फिश ज़रूर खानी चाहिए माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर अच्छा जी अगर आप पानी पीते हैं तो आप डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं डिहाइड्रेशन कहने के आप पानी की कमी से बच जाते हैं अगर तो पानी की कमी से बच जाते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपकी आई की हेल्थ भी अच्छी रहती है सो फॉर बैंकर्स एंड रिसर्च वर्कर्स वो लोग जो बैंक में काम करते हैं और रिसर्च करते हैं और जो स्टक रहते हैं जिनका ज़्यादातर काम कंप्यूटर के ऊपर होता है एक्सेसिव कंप्यूटर यूज़र यू कैन से उनमें क्या करना चाहिए है? मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था कि आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करें जो कि कह लें कि अल्ट्रा वायल्ट ले रेस से कॉटेड होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है जो भी रेडिएशन होती है सन की अब एक थेरेपी है दैट इज़ कॉल्ड ट्वेंटी इफ़ यू आर वर्किंग इन लैपटॉप और इन अ फोन सो यू हैव टू वॉच आफ्टर ट्वेंटी मिनट ऑन अ टारगेट ऑफ ट्वेंटी फीट किसी भी चीज़ को बीस मुक के फासले से देखना है और आपने हर ट्वेंटी मिनट के बाद अपनी आईज को ट्वेंटी टाइम्स ब्लिंक करना है जैसे ऐसे मूव करना है फुल ब्लिंक करना है पार्शल ब्लिंक नहीं करना है ये आपको कहने के ड्राई आई से प्रोटेक्ट करती है डेट इज कॉल्ड ट्वेंटी 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 आफ्टर ट्वेंटी मिनट यू हैव टू वॉच एट ट्वेंटी फीट एंड यू हैव टू ब्लिंक ट्वेंटी टाइम्स सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेनटेन योर पॉस्चर अब हमारे पास कह लें कि मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं और पूछते हैं कि हमने अपना लैपटॉप किस डिस्टेंस पे रखना है सो यू हैव टू पुट योर लैपटॉप एट 66 सेंटीमीटर That यू कैन कॉल arm's length. लेंथ एक इंसान की जितनी भी आर्म लेंथ है उसके ऊपर आपने लैपटॉप रखना है और वहाँ बैठ के आपने काम करना है लोग बहुत ज़्यादा पास रख लेते हैं ठीक है जिससे और प्रॉब्लम होती है आपका पॉस्चर भी मेनटेन नहीं होता आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं बैक हैकी शुरू हो जाती है ठीक है आँखों में भी दर्द होनी शुरू हो जाती है एंड योर लैपटॉप विल बी लोअर दैन ट्वेंटी डिग्री फ्राम योर आइज मतलब आपकी आँखों से बीस डिग्री नीचे होना चाहिए एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट स्मोक सिगरेट ये उन हजरात के लिए है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं आजकल हमारे ट्रेंड आया हुआ है शीशा हमारे यंगस्टर्स क्या करते हैं वो शीशा पी रहे हैं ठीक है उन लोगों को ये नहीं पता कि उनके स्मोकिंग से क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना सिर्फ आंखों पे बल्कि उनकी जनरल हेल्थ उनके लंग्स पे उनके हर बॉडी के पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं नाउ माय लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ विज़िट एन आई डॉक्टर फॉर द स्क्रीनिंग हमारे सोसाइटी में इस चीज़ का कोई ट्रेंड नहीं है जब आपको पेन होती है फिर आप आई डॉक्टर को दिखाते हैं कि मेरी आंख खराब होगी अब मुझे मेडिसिन दें अब क्या है जो बच्चे होते हैं सिक्स मंथ टू थ्री ईयर्स ये इनका न्यूरो सेंसरी डिवेलपमेंट एज है जिसमें कह लें अपने बच्चों को प्लीज़ लाज चेक करवाएँ वंस हम जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होते थे कुछ लोगों को जब उनके बच्चे 12 साल के हो जाते थे फिर जाके पता लगता था कि उनकी एक आई कि भैया नहीं है वो एम्ब्लायपिक हो गई है ंटे लल्लस हम उस एज में कुछ कर ही नहीं सकते जो आपकी कह लें कि एक विजन है आप उसके साथ ही गुजारा करें तो इससे बचने के लिए आप स्क्रीनिंग की तरफ आएँ सिक्स मंथ्स से लेके थ्री मंथ्स के जो भी आपके बच्चे हैं उनको एक बार ज़रूर चेक करवा लें कि उनकी आईसेट बिल्कुल ठीक है भी या नहीं एंड फॉर द वुमेंस हु आर फोर्टी एंड मैन हु आर ओवर फोर्टी इयर्स ऑफ एज आपको अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है शुगर है या ब्लड प्रेशर है प्लीज़ सिक्स मंथ के बाद या वन ईयर के बाद अपने आई डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी आई के ऊपर बहुत ज़्यादा आई डिजीज़ेज़ आ रही हैं जैसे डायबिटिक रेटनोपैथी हाइपर टेंशन रेटनोपैथी जिस वजह से आपकी वीन कहने के इफ़ेक्टेड हो रही है सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच